वेलकम बैक टू द चैनल, आप देख रहे हैं कनेक्टेड वाइब्स। मैं रोनी सिंह एक बार स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज सौरभ भाई के साथ कहीं ये लोकेशन इनको पता है शीला की चौकी, तो देखते हैं टाइम में पहुँचते हैं वहाँ पर। तो फिलहाल हम तेल तुलटा लाके रेडी हो चुके हैं, हमारे एक साथी आगे जा चुका है। फिलहाल निकलते हैं और मिलते हैं आपको डायरेक्ट वहीं पर। हैं और आप देख सकते हैं यहाँ से ट्रेन भी वैली रिजॉर्ट से अपने अंदर आना है और सावधान आगे मार्ग और आपको लेके जाएंगे एक बढ़िया सी डेस्टिनेशन पे। तो बने गई है हमारे साथ कुछ इस तरह नज़र आ रहा है। यदि आप नेक्स्ट लगाते हो तो आप वो पीछे का जो रेस्टोरेंट का नाम दिया गया है आ रहा है। और कहीं से नदी किनारे वाला रूट है तो इधर पे काफ़ी ज़्यादा ही वेव चल रही है। आप देख सकते हैं लू का काफ़ी ज़्यादा प्रकोप चल रहा है देहरादून में। ये देखिए पूरा नदी है, इसके बगल का इलाका है। और देखते हैं इसमें कहीं आगे नहाने का कुछ प्लेस करके है। इस डेस्टिनेशन पर पहुँचते हो तो आप देख सकते हैं यहाँ से भी दो रास्ते हैं। तो आप ये वाला देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है शीला चौकी भोगपुर थानो देहरादून। तो इधर चलेंगे हम आगे की ओर। और ये हमारा जो देखिए ये पूरा रास्ता भी इस प्रकार से है और यहाँ पे लिखी भी है चेतावनी, नदी का स्तर कभी भी बढ़ सकता है, तो जल्दी से दूर रहिए। और अभी हमको ये वाला रास्ते आगे जाने, हमारी गाड़ी बाहर खड़ी है, ये हमारे साथी हैं। तो भैया कितना किलोमीटर आ चुके हैं, हमें कितना किलोमीटर आगे और जाना है, हमें 300 मीटर। तो गाइस ये है सौरभ भाई जिसने हमें यहाँ लाया आज, और यहाँ से हमने सामान ले लिया अपना। इसके बाद आज दुकान नहीं है, इसके आगे दुकान नहीं है। गाइस ये है वो प्लेस जिस पे हम आना चाह रहे थे। और आप देख सकते हैं क्योंकि कतार किस प्रकार से खड़ी हो रखी है। ये है शीला की चौकी, देखिए। और अभी हमारे साथी पीछे जा रह चुके हैं जो अभी पहुँचे नहीं है, देखिए किस प्रकार से। और इधर पहुँच चुके हैं, अभी अपने साथियों को रुक रहे हैं, फिर निकलते हैं इसके बाद डायरेक्ट जहाँ पर नहाने का सिस्टम है। चलते हैं गाइस यहाँ से कुछ इस प्रकार से। इस तरह कुछ लोग हैं यहाँ पर ना रहे हैं, कौन है क्या होगा, कुछ नहीं होगा उससे। तो इससे ऊपर ऊपर से कूदते हैं लौंडे यार, मैं तो पेड़ के ऊपर से कूद जाऊँगा ऊपर से। सो गाइस अभी फ़िलहाल चलते हैं आगे की ओर, काफ़ी धूप हो रही है वैसे यहाँ पर। पत्थरों के ऊपर चलने का मैं पुराना काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस है। ओ गाइस, और यहाँ पर से सौरभ भाई तो पार हो चुके हैं और हमें भी एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। और अकेला रहे हैं पानी के बीच से, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। तो अभी ट्राई करेंगे थोड़ा सा और आगे जाने की, लेकिन हद से ज़्यादा गंदगी यहाँ पर, सफाई का भी सिर्फ ध्यान रखना पड़ेगा। तो गाइस बताइए कहाँ पे चलना है हमें, ये भी सही है, बस बाकी आप चेक कर सकते हो ऊपर का, ऐसे दौड़ा सकते हो आप गाइस, वहाँ तक पानी है इसमें और नीचे से हम ऊपर काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुके हैं। तो फिलहाल चलते हैं अभी और आगे, कहीं ना कहीं हमें अच्छा पानी मिलेगा शायद। तो गाइस काफ़ी थकान हो चुकी है और पसीना भी लग चुका है। हाँ। और अखिल भाई यहाँ पे हाँ मिला रहे हैं हमारे साथ। तो फिलहाल सौरभ भाई तो आगे जा चुके हैं, लेकिन रास्ता उल्टी साइड से है। यहाँ पर थोड़ा सा बढ़िया लग रहा है हमें, लेकिन अभी ट्राई करेंगे थोड़ा और आगे। सो गाइस यहाँ से फिर से एक और टास्क हो चुका है मान ले, और अभी ट्राई होगा।
यहाँ पर आपको मछलियाँ दिखाई दे सकती है। मैं लग रहा है शायद सबसे आगे हम ही जा रहे हैं, लेकिन चेक करते हैं कितना आगे तक जा पाते हैं हम भी। और गाइस जी आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसा पानी है और मछलियाँ आपको यदि नज़र नहीं आ रही होंगी तो हम क्या कर सकते हैं। हाइकिंग से देख सकते हो किस प्रकार का पसीना चढ़ गया है और हम थोड़ा सा ठंडे में आ चुके हैं, तो फिर से आपको लेके चलते हैं आगे। गाइस काफ़ी ज़्यादा चलने के बाद हम पहुँचे हैं अपनी आखिरी डेस्टिनेशन पर। इसके आगे शायद ही हमें कुछ मिले तो आपको दिखा देता हूँ हम। और हम काफ़ी नीचे से ऊपर आ चुके हैं, फिलहाल कैमरा सेट करेंगे इधर ही कहीं और करेंगे अपना स्नान, तो बने रहिए देखते रहिए। भाई तो आपने सुन ही लिया होगा, भाई डिमांड कर रहा है कि इसके बारे में दो चार लाइनें बोलें। ये बंदा नहाने का बहुत बड़ा कीड़ा है और ये इतना बड़ा कीड़ा है कि इसने देहरादून के नाले कोई भी नहीं छोड़े हुए, नदी नाले जितने भी हैं सब में नहाने। ये तो मैं दिखाएगा कीड़ा कैसे बाहर आता है। अबे यार तू भी सामने बाहर आए थे ऐसे हम बाबू। चल जाएगा बताएगा वो आज। अबे बोलना ये अभी तक बात बाकी है। भाई ये देखो ये छुप रहा है, ये एक ऐसा प्राणी है इसको कितना भी खिलाओ ये भूखा ही रहता है। ये वो प्राणी ये वो फोन भी मेरे हाथ में और ये झपटता भी है। ये अखिल भाई है, इनकी पानी में जाने से ये कह रहे हैं कि ज्यादा गहरा है। एक बार स्वागत करता हूँ आपका फिर यूट्यूब चैनल। ये जा रहे हैं हमारे सौरभ भाई, सौरभ भाई का लगता है ये मूड नहीं है। अबे हम बोल बात उनके नले खराब चोड़ दूँ।
काफी अच्छा पानी है, पानी कह रहा। गाइस ये देखिए धीरे धीरे मौसम भी चेंज हो चुका है, धूप कम हो गई, हवा चलने लग गई और लौंडे यहाँ पे फन मार रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? आइए अजीब प्राणी देखिए, हमारा अजीब प्राणी हमारा गलियों में घुस रहा है। ओ माय गॉड, पानी के अंदर घुस गया, बट बच गया, बच गया। यहाँ से ये भाई कमेंट करके बताना तुम्हें क्या लग रहा है, कैसे तैर रहा है? यहाँ पे दो नागों का मेल, यहाँ पे दो नागों का मेल हो चुका है, आपस में लड़ाई होंगी, बड़ा ट्विस्ट आएगा स्टोरी में। यहाँ पे बड़े वाले नाग ने छोटे वाले नाग को दबोचा। भाई भाई दांत नहीं दिखाने, नाग दांत नहीं दिखाता, छोटे वाले नाग थोड़ा गुस्सेल हैं। यहाँ पे पहले वाले नाग जो हैं वो थोड़ा लुप्त हो गए हैं, अभी बाहर निकले हैं। भाई अखिल भाई तो बैलेंस नहीं बना पा रहे, ये देखो ये गिरते ही जा रहा है। तो कहीं नहा धो के मैं एकदम हो चुके हैं फिट, और देखिए मैं इसी तालाब में नहाता हूँ यहाँ पर। टणनैण टूण टणनणु कोई सक है क्या? देखिए यहाँ पर पानी था पीछे हमारे, और नहा धो के हम एकदम चिल हो चुके हैं, और नवरत्न तेल लाया है भाई, थोड़ी ठंडी पड़ेगी कि सर में, देखिए किस प्रकार से। और ये यहाँ का पानी है, आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर नीचे से भी लोग नहा रहे थे, अपने पास ही रख ले मेरा वाला। तो गाइस नहाने धोने के बाद हम निकल रहे हैं डायरेक्ट रूम की ओर, आपको दिखा देता हूँ। कहते हैं यहाँ से इस तरीके से यहाँ पर पानी का स्रोत, और ये रास्ता है इधर से, और नीचे से भी नीचे जाना है हमें भी। तो फिलहाल देखते रहिए कनेक्टेड वाइब्स, और बने रहिए हमारे साथ, आपको थोड़ा सा अगले ब्लॉग में, तब तक आप बने रहिए।